अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ साद बट एंड यू वाचिंग पार्क इंटरनेशनल प्रेजेंट्स स्वीट एंड हेल्दी। आज येट अगेन हम लेकर आए बहुत मज़ेदार सी स्वीट क्रिएशंस। आज सी ऑन लो स्वीट क्रिएशंस की जब बात आती है तो टॉपिक आना स्लिम दिमाग में आता है एंड ऑब्वियसली वेन एवर वी मेकिंग स्वीट डिजर्ट्स एंड ऑब्वियसली सेवरी इज वेल, जिसके अंदर आपको इनकॉपरेट करनी होती है अपनी स्वीटनेस, तो लाजमी एक चीज़ होती है वो हम लोग को ये होता है कि ऐसी चीज़ ऐड करें, ऐसा पर्टिकुलर इन्ग्रीडियंट ऐड करें जिससे आपके बैलेंस डाइट भी हो सके, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिल सके और आपका प्रॉपर तरीके से जो कैलोरी इंटेक है वो भी पूरा हो सके। तो एज यू ऑल नो हम लोग यूज़ करेंगे ट्रॉपिकाना स्लिम स्टेवी। एज यू ऑल नो मार्केट में हर जगह अवेलेबल है एंड सबसे इसकी खासियत ये है कि स्टेविया लीव्स एक्सट्रैक्ट किया गया है एंड समझे प्योर गुडनेस के साथ है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें ये है कि कोई बिटर आफ्टर टेस्ट भी नहीं है। तो उसी के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे, आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा बंट केक विच इज़ गोना बी वेरी ईजी। 2 से 3 आपने इंग्रीडियंट्स ऐड करने हैं एंड यू गुड टू गो। सबसे पहले आपने क्या करना है, वेन एवर यू बेकिंग एनीथिंग मेक श्योर करें आपका ओवन प्रीहीटेड हो 180 डिग्रीज पे एंड आपने क्या करना है, सबसे बड़ा बोल ले लेना है एंड इसको थोड़ा सा और फ्लेवरिंग देने के लिए मैं आपको बताऊं, फ्लेवर अगेन जब बात आती है फ्लेवरिंग की तो बहुत सारे आपके दिमाग में ब्रांड्स आते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्रांड जो सबसे बेस्ट हो और आपके फ्लेवर को आपके जो बेकिंग गुडनेस है उसको और ज़्यादा रिच बना सके किस तरीके से, तो हम यूज़ करेंगे एक चोकोचिनो ऐड करेंगे जो स्पेशल ब्लेंड है मॉल्ट पाउडर के साथ एंड सबसे इसकी खासियत यह है कि एज यू ऑल नो विंटर्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो आप लोगों को वैसे ही क्रेविंग होती है रात को सुबह के ऑफिस जाने के लिए तो बड़ी यू नो टेंशन होती है कि ऐसी चीज़ आपके पास होना चाहिए, परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए जो आपके लिए बड़ा आपकी जितनी भी क्रेविंग्स हैं उसको पूरा कर सके। तो इवन आप इसको जो है ना ऑन द गो के लिए ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड हम भी आज बहुत ही मज़ेदार सी एक ड्रिंक बनाएंगे जो कि थोड़ा सा कोल्ड भी होगा थोड़ा सा हॉट भी होगा, अगेन टोटली अप टू यू, बहुत मज़ेदार सा इसका मॉल्ट पाउडर है। हम लोग क्या करेंगे, सारा जो हमारा प्रॉपर परफेक्ट ब्लेंड जो है चोकोचिनो का वो हम ऐड करेंगे हमारी जो फ्यूजन रेसिपी है उसके अंदर। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मेजन प्लस हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जाएगा मैश बनानास 1 कप के हिसाब से आपने ऐड करना है ताकि आपकी रेसिपी के अंदर बड़ा अच्छा सा वॉल्यूम आए। साथ में इसके अंदर 75 grams ऑफ बटर जाएगा सॉल्टेड और अनसॉल्टेड, वो आपने ऐड करना है एंड मेक श्योर करें कि रूम टेम्परेचर पर हो। साथ ही में इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा, अंडे के साथ साथ आपने क्या करना है यहाँ पर ऐड करेंगे वनीला एसेंस, सारी चीज़ें ऑल एट वंस आपने ऐड कर देनी है। बेकिंग सोडा 1.5 teaspoon, अब आपने क्या करना है इसको प्रॉपर तरीके से वेल इनकॉर्पोरेट कर लेना है एंड एज यू कैन सी प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है इसको वेल इनकॉर्पोरेट कर लेना है। सो कि अगर इसके अंदर लम्स भी आ रहे हैं दैट्स परफेक्टली फाइन, बट अगेन थोड़े से विस्क के साथ आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को ऑल एट वंस मिक्स कर लेना है एंड ऑब्वियसली इसको स्वीटनेस के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ आपको पता है ट्रॉपिकाना स्लिम स्वीटनर जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है स्टेविया लीव से एंड समझे कि अब तो आई थिंक 4-5 सालों से लोग आर लाइक प्रिटी मच अवेयर कि ये किस तरीके से यूज़ करना है एंड इसके कितनी सारे फ़ायदे हैं एंड सबसे ऑन टॉप ऑफ दैट ये कि लो कैलोरी है। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होता है ताकि आपको प्रॉपर जितना भी इनटेक है जो आपके बैलेंस डाइट है वो भी प्रॉपर तरीके से पूरा रहता है। ऑलराइट, तो आई विल बी एडिंग हीप्ड अमाउंट ऑफ स्टेविया 1 and 2 teaspoon, कोई बिटर आफ्टर टेस्ट नहीं है, यू जस्ट हैव टू लाइक यू नो एड इन एनी थिंग स्वीट एंड सेवरी का कॉम्बिनेशन आप किसी चीज़ भी ऐड करें बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आता है। अब इसको हम अच्छे तरीके से अगेन इसको ब्लेंड करेंगे, अगेन मिक्स करना है, वेल इनकॉर्पोरेट करना है और इसी के साथ यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा हमारा जो फ्लावर है सिफ्टेड फ्लावर, देयर यू गो, अगेन इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें ऑल टुगेदर हो जाए एंड अगेन थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगा बहुत हल्का सा लाइक 1/2 कप के हिसाब से। ऑलराइट, पानी मैंने ऐड कर लिया है एंड अब मैंने ऐड करना है यहाँ पर इसको और मज़ीद इन्हांस करने के लिए जिसका फ्लेवर है हम ऐड करेंगे चोकोचिनो द स्पेशल एंड सबसे बेहतरीन ये कि रिचर इन टेस्ट है एंड इवन इसको आप वैसे तो ये हॉट चॉकलेट है सबसे बेहतरीन है, इवन आप कोल्ड चॉकलेट्स भी बना सकते हैं इसके साथ, लेकिन मैं इसको फ्यूजन अपनी रेसिपी के अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि क्रीमी एंड जो इसका रिचर टेस्ट है मेरे केक के अंदर आ जाए। बस आपने पैकेट खोलना है, इसके साशे हैं, आपने सिंपल इसको इनकॉर्पोरेट कर लेना है, देयर यू गो एंड सिंपली इसके पीछे प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, गर्म पानी के अंदर सिंपल इसको ऐड कर लेना है, गर्म पानी के साथ कर सकते हैं, दूध के साथ कर सकते हैं एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जिस तरीके से रेसिपी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है ताकि आपके फ्लेवर्स, इवन मैं यहाँ पर केक के साथ कर रहा हूँ, आप सिंपल क्या कर सकते हैं कपकेक्स के साथ भी इसको प्रॉपर तरीके से इंटैक कर सकते हैं।
बस ये आपने पैक खोलना है। एंड इनकॉर्पोरेट कर लेना। There you go. And again, make sure to proper mix it well till well combined. If you need, you can add a little bit of milk as well. तो अगर आपकी थोड़ी सी स्टिफनेस आ गई है, देख सकते हैं प्रॉपर स्टिफनेस आ गई है, तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर मिल्क भी ऐड करूंगा। There you go. अब इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना स्क्रेप ऑफ कर लेना है विद अ लिटिल स्टिफ हैंड। There you go. और सारा का सारा यहाँ पर जो हमारा बैटर है रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा हमारा जो यहाँ पर बंद केक पैन है। सिंपल आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको जो है ना ग्रीस कर लेना है एंड प्रॉपर तरीके से सारा का सारा बैटर जो है इसके अंदर ऐड कर देना। ये मेक श्योर कि प्रॉपर तरीके से इसको आपने वेल इनकॉर्पोरेट कर लेना है, साइज भी स्क्रेप ऑफ कर लेनी है। एंड अवन में जाने से पहले इसको अच्छे तरीके से साफ कर लें। मैं जब तक क्या कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से सारा का सारा बैटर इस पैन के अंदर ऐड करके प्रॉपर सेट कर लेता हूँ, आप लोग जाएं छोटी सी ब्रेक लेकर आए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वॉचिंग पार्क इंटरनेशनल प्रेजेंट स्वीट एंड हेल्दी। एंड एज यू कैन सी हमारे ओवन के अंदर यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा जो केक है वो अंदर प्रॉपर तरीके से बेक हो रहा है। एंड उसके अंदर मैंने क्या क्या ऐड की थी चीज़ें, सारी समझे मैश पोटेटोज़ हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसको और मजीद स्वीटनर बनाने के लिए मैंने ऐड किया ट्रॉपिकाना स्लिम स्वीटनर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट चोकोचिनो जो इनका हॉट चॉकलेट का जो ब्लेंड है परफेक्टली मैच करता है मेरी रेसिपी के साथ। एंड इवन विंटर्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आप इजिली इसको यूटिलाइज करें बी इट हॉट और कोल्ड। एंड दूसरी रेसिपी बड़े मज़ेदार सी एंड इट्स एक्चुअली ए फ्यूचर रेसिपी इज़ वेल, एक बहुत मज़ेदार से कपकेक्स बनाएंगे। एंड हम ऐड करेंगे यहाँ पर फिनी। As you all know, Finny, I'm so sure आपने मार्केट्स में देखी है एंड हर जगह अवेलेबल है, माई फेवरेट इज़ वेल। एंड समझे कि ग्लूटेन फ्री है सबसे बड़ी बात एंड हलाल सर्टिफाइड है, तो मतलब हैसल फ्री होकर आप इजिली खा सकते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ये मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरे वर्ल्ड में एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फ्रॉम स्पेन है, तो समझे सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। सारे इतने वाइड रेंजेस हैं इनकी, तो मतलब समझे जितने भी बच्चे हैं एंड इवन मी एज वेल, जितने बड़े भी हैं वो दे आर हुक्ड अप टू एज वेल। अच्छा जी, हमने क्या करना है, सारी अब अमेजन प्लस हुई हुई मेरे पास रेसिपी। एंड थोड़ा सा अगेन मैं आपको बता दूँ, अगर फ्लेवर्स की बात की जाए तो दे हैव एन अमेजिंग इंडो कैफे रेंज एंड साथ में प्राइवेट क्लब भी है। इनकी कॉफ़ी की रेंजेस इतनी सारी हैं, 8 फ्लेवर्स ऑफ कॉफ़ी है, हेजल नट है, मेपल है, हेजल नट है एंड द लिस्ट गोज ऑन। मतलब जितने भी कॉफ़ी लवर्स हैं, मतलब इट्स फॉर यू। एंड साथ ही मैं यहाँ पर बता दूँ, इंडो कैफ़े इट्स बेसिकली सॉसेज जो ऑन द गो के लिए होते हैं, और साथ ही में अगर इसको और ज़्यादा क्रीमर बनाने के लिए इनके पास क्रीमर भी मौजूद है इंडो कैफ़े का, जिसमें समझे कि ईजिली आप इसको, इट्स बेसिकली अ सब्सटीट्यूट फॉर डेरी मिल्क, जो आपका समझे कि दूध होता है उसकी जगह आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ईजिली मिक्स भी कर सकते हैं विदाउट एनी रेजिड्यूज लेफ्ट इन योर मग इज़ वेल। और साथ ही में सुमात्रा बेसिकली एक जो समझे मेरे जैसे लोग हैं जिनको एस्प्रेसो शॉट की ज़रूरत होती है रिच और बोल्ड कॉफ़ी की, तो बेहतरीन प्रोडक्ट है, लाजमी ट्राई करें। हमने क्या करना है, बड़े बोल के अंदर हमने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अगेन डंप कर देनी है। और एक और फ्यूजन मैं आपको बताऊँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने 2 अदद अंडे लेने हैं, उसी के साथ यहाँ पर जाएगा मेल्टेड मक्खन 115 ग्राम्स, फ्लावर सिफ्टेड होना चाहिए लाजमी, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस। एंड अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, अगेन वेल इनकॉर्पोरेट कर लें सारी चीज़ों को एक साथ। और ज़्यादा आपने फ्यूजन अगर बनाने हैं तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे जितने भी ब्लेंड्स हैं कॉफ़ी के वो आप ईजिली ऐड कर लें। प्राइवेट क्लब कॉफ़ी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इज़ वेल, हेजल नट हो गया एंड इवन जितने भी अगर आप माकियाटोज बनाते हैं और समझे ऑन द रॉक्स के लिए अगर आपने कोई भी कॉफ़ी बनानी है तो इनके इंडो कैफ़े के जितने भी परफेक्ट ब्लेंड्स हैं ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए एंड इसी के साथ मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा 1/2 कप ऑफ मिल्क। देयर यू गो, इसको अच्छे तरीके से आपने अगेन मिक्स करना है। अब हमने क्या करना है, इसको और मज़ीद फ्यूजन में किस तरीके से दूंगा, और जितने भी बच्चे हैं आई एम सो श्योर दे लव दिस रेसिपी, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास फिनी जेली है। एज यू ऑल नो सबसे
बेहतरीन जेली एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स इज़ वेल. इतनी ज़्यादा रेंज है एंड सबसे बेहतरीन ये कि हलाल है एंड साथ ही में ग्लूटेन फ्री है. तो लाजमी आपने सारी की सारी जो है ना, वैसे आई थिंक ये बचती तो है नहीं, लेकिन ये है कि मैं रेसिपी के अंदर ऐड करूँगा क्योंकि आई एम मेकिंग टूटी फ्रूटी कप केक्स. तो यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारा की सारी जो बेहतरीन इनकी जो रेंज में से ये जो मैंने निकाली गैलेक्सी मिक्स है, ये थोड़ा सा सार एंड टैंगी सा टेस्ट होगा इसका. अब ये मैंने क्या करनी है, यहाँ पर ऐड कर दूँगा. I'll just add like half of it. इस तरीके से आपने ऐड कर देनी है ताकि थोड़ा सा और मज़ीद टेस्ट आ जाए. और साथ ही में मैं क्या करूँगा, उसको हल्का सा पहले मिक्स करूँगा एंड अब सारा का सारा जो मेरा बैटर है प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है. एंड यहाँ पर मेरे पास मफिन पैन्स हैं, कपकेक पैन्स, जो भी आपके पास अवेलेबल है. सिंपल आपने क्या करना है, इसके अंदर पोर कर देना है. There you go. इस तरीके से ये मैं सारा का सारा इसके अंदर इक्वल पोर्शंस के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ. एंड अगेन आपने क्या करना है, एंड में टू टॉप इट ऑफ थोड़ी सी और मज़ीद जितनी भी जेलीज हैं वो इसके ऊपर मैं ऐड इन कर दूँगा. और ये चला जाएगा अवन के अंदर. 180 डिग्रीज अवन मेरा प्रीहीटेड है ऑलरेडी. हमारा चोकोचिनो बंट केक जो है, बनाना बंट केक, वो भी ऑलरेडी बेक हो रहा है 180 डिग्रीज पे. एंड उसके अंदर भी बहुत सारे हमने जो है ना सारी फ्यूजन्स की हुई हैं. एंड समझें कि सारी चीज़ें अगर ऐड कर देंगे तो आपका जो फ्लेवर है और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा. बस ये आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट. अब इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेता हूँ. देयर यू गो, जस्ट क्लीन. मेक श्योर के अवन में जाने से पहले आपने सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेनी है. एंड अब जो एक्चुअल फ्यूजन है, ये सारी आपने एक एक करके इसके ऊपर ऐड कर देनी है. एंड मेक श्योर करें सारी जितनी भी फिनी जेली है, गैलेक्सी मिक्स मैंने ली है एंड इसके ऊपर मैं पोर इन कर दूंगा. देयर यू गो, आई थिंक आई विल ऐड लिटिल बिट मोर. देयर यू गो एंड देयर यू हैव इट. हम अब बस हमने क्या करना है, अब इसको डाल देंगे अवन के अंदर. आप लोग जाएं ब्रेक लेके आए. इसी तरीके से देखते रहें पार्क इंटरनेशनल प्रेजेंट्स स्वीट एंड हेल्दी. टूटी फ्रूटी कप केक्स. अज्जा मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, बगैर नमक का नरम मक्खन 150 ग्राम, टीएस स्वीटनर 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 2 चाय के चमचे, दूध 1/2 कप, जेली सॉर्टेड हसबे ज़रूरत. तरकीब, अवन को पहले से 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें. अब कप केक लाइन्स के साथ 12 कप मफिन टिन लाइन करें. एक बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक अच्छी तरह मिक्स कर लें. दूसरे बोल में नरम मक्खन और चीनी को एक साथ अच्छी तरह तकरीबन 2 से 3 मिनट फेंटें. फिर एक एक करके अंडे शामिल करें और अच्छी तरह से फेंट कर वनीला एक्स्ट्रैक्ट मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क अज्जा को बटर मिक्सचर के साथ दूध में शामिल करें. शुरू और आखिर में खुश्क अज्जा मिक्स करें कि वो यकजान हो जाएं. फिर मैदे के साथ जेली डालें. अब बैटर को कप केक लाइंस में यकसा तौर पर तकसीम करके भरें और गर्म अवन में बेक करके सर्व कर दें. चोको चीनो बनाना बंडेड केक. अज्जा, केले पके हुए 2 से 3 अदद, पिघला मक्खन 1/2 कप, टीएस स्वीटनर 2 चाय के चमचे, फिटा अंडा 1 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, चोको चीनो स्पेशल 1 चाय का चमचा, मैदा 1.5 कप 190 ग्राम. तरकीब, अवन को पहले से 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें. फिर 4x8 इंच लोफ पैन को ग्रीस करें या पार्चमेंट पेपर बिछा दें. एक बड़े मिक्सिंग बोल में केले को कांटे से मैश करें. अब पिघले मक्खन को मैश केले में मिक्स करें. फिर चीनी, अंडा और वनीला एक्सट्रैक्ट में मिक्स कर दें. अब मिक्सचर पर बेकिंग सोडा और चोको चीनो स्पेशल छिड़कें. फिर मैदे में आहिस्ता से अच्छी तरह यकजान होने तक मिक्स करें. उसके बाद बैटर को पैन में 50 से 60 मिनट बेक कर लें. ये चेक करने पर स्क्वायर साफ निकल आए. अब बनाना ब्रेड को पैन में तकरीबन 10 मिनट ठंडा होने दें. फिर इसे पैन से निकालकर वायर रैक पर पूरी तरह ठंडा करके सर्व कर दें. चोको चीनो ड्रिंक. अज्जा, चोको चीनो स्पेशल 2 से 3 साशे, गर्म दूध 1 गिलास, ठंडा पानी 1 गिलास. तरकीब, हर ग्लास में चोको चीनो स्पेशल का 1 साशे मिक्स करें और सर्व कर दें. बस
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. यू वाचिंग पार्क इंटरनेशनल प्रेजेंट स्वीट एंड हेल्दी. एज यू कैन सी हमारा बेहतरीन सा चोकोचिनो स्पेशल बेहतरीन यहाँ पर बनाना बन केक इज रेडी एंड इट्स वेरी सॉफ्ट एंड सकर एंड ऑब्वियसली कलर आप देखें. एंड चोकोचिनो अगेन मैं आपको बताऊँ कि विंटर्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड नॉट इवन ओनली इन विंटर्स, समर्स में भी आप इजिली इसको इन्जॉय कर सकते हैं, बी इट हॉट और कोल्ड. एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास गर्म दूध है एंड साथ ही में यहाँ पर कोल्ड वाटर भी है, तो दोनों में आप इजिली जो ब्लेंड है ऐड कर सकते हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मुझ जैसे को अगर कॉफ़ी का थोड़ा सा एक हिट चाहिए तो इसके अंदर ऑलरेडी एक सरप्राइज मौजूद है, तो कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी भी इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है. तो समझे जैसे ही आप इसको पियेंगे एक बड़ा अच्छा सा हिट आएगा कॉफ़ी का भी. तो सबसे पहले मैंने क्या करना है यहाँ पर, ये ब्लेंड को सिंपल साशे आपने निकालना है एंड या तो गर्म पानी या तो ठंडे दूध या वाइस वर्सा जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप इजीली इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. देयर यू गो. सबसे पहले यहाँ पर मैं मिल्क के अंदर इसको ऐड करूँगा. देयर यू गो. एंड अगेन इसको अच्छे तरीके से आपने स्टर देना है. एंड मुझ जैसे बंदे के लिए ऑब्वियसली अगर और ज़्यादा हिट चाहिए तो मैं एक और ऐड करूँगा इसके अंदर. एंड सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी पीछे भी मौजूद हैं इफ़ यू हैविंग एनी ट्रबल. यहाँ देख सकते हैं कि सारे यहाँ पर आपने क्या करना है, पानी के अंदर, दूध के अंदर, जैसे आपको अच्छा लगे. एंड ऑन द रॉक्स मतलब आइस के साथ भी आप इजीली अपने माकियाटोज़ के अंदर भी इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं और बड़े बेहतरीन से आपके चिलर्स बन सकते हैं, माकियाटोज़ हो गए, आइस लाटेज भी आप इजीली बना सकते हैं इस बेहतरीन चोकोचिनो स्पेशल के साथ. तो मैं इसके अंदर एक और ऐड करूँगा. देयर यू गो. And as you can see, कोई इसमें लंप नहीं है, ईजिली ये इसके अंदर हल हो रहा है. परफेक्ट. एंड इसको आपने क्या करना है, सिंपली पोर कर देना है. एंड देयर यू हैव इट, चोकोचिनो स्पेशल. एंड अगेन इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ठंडे पानी के अंदर भी ऐड करूँगा ताकि आपको दोनों का बड़ा बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन मिल जाए. सिंपल एक स्टर के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है. ऑलराइट एंड देयर यू हैव इट, चोकोचिनो दोनों हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए हैं एंड हॉट एंड कोल्ड दोनों कॉम्बिनेशन आपके सामने हैं. साथ ही में अगेन हमें बड़ी टेंशन होती है कि हमें फ्रॉस्टिंग और यू नो स्प्रिंकलिंग के लिए कोई ऐसा इंग्रेडिएंट चाहिए, तो एज यू ऑल नो ट्रॉपिकाना स्लिम स्वीटनर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो ऑब्वियसली हमने सारी रेसिपीज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है. तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ किस तरीके से आप ईजिली इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ स्प्रिंकलर इज़ वेल. मैंने क्या करना है यहाँ पर, सिंपल एक सिफ की मदद से यहाँ पर ट्रॉपिकाना स्लिम ऐड करूँगा और ईजिली मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर ऊपर डस्ट कर दूँगा. बेहतरीन से डिज़र्ट स्वीट एंड सेवी आप ईजिली बना सकते हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर हमारे टूटी फ्रूटी कपकेक्स भी रेडी हो चुके हैं. एंड यहाँ पर मैंने क्या करना है, सिंपल आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से ये जो एक प्रॉपर इसका कॉम्बिनेशन बना है. देयर यू गो. सी बेहतरीन से टूटी फ्रूटी आपके कपकेक्स भी रेडी हो गए हैं. एंड उसी के साथ साथ अगर और आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर्स चाहिए एंड ऑब्वियसली हम बड़ों के लिए तो सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, बट डोंट फॉरगेट द किड्स इज़ वेल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलना बेबी रस्क सबसे खासियत ये है कि आप ईजिली इसको खा सकते हैं जितने भी बच्चे हैं. एंड इसी के साथ अगेन आप इसके साथ फ्यूजन भी कर सकते हैं, बहुत सारी समझे पुडिंग्स भी बना सकते हैं. एंड द लिस्ट गोज ऑन, देयर सो मेनी रेसिपीज एंड सिंपल आप इसको इजीली पैक से निकालें एंड खा भी सकते हैं. ऑलराइट एंड यहाँ पर डीवा बेबी फूड जो है बहुत सारे फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है ताकि जितने भी बच्चों की सारी क्रेविंग्स हैं वो ईजिली प्रॉपर हो सकें. आई रियली होप आपको आज की सारी रेसिपीज़ मज़ेदार सी स्वीट क्रिएशन अच्छी लगी हो. इसी तरीके से देखते रहें पार्क इंटरनेशनल प्रेजेंट स्वीट एंड हेल्दी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.